बच्चों में न्यूमोकोकल रोग और इसके परिणाम स्वरूप शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए नागपुर शहर में बच्चों का न्यूमोकोकल कंजुगेट टीकाकरण मंगलवार से शुरू हुआ। फुटाला नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान की खास बात यह है कि नगर निगम द्वारा बच्चों को यह टीका निःशुल्क दिया जाएगा। राज्य में सभी जगहों पर न्यूमोकोकल टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और सरकार के निर्देशानुसार बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। पीसीवी टीकाकरण शिशुओं में न्यूमोकोकल रोग और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली शिशु मृत्यु दर को रोकने में मदद करेगा। गंभीर न्यूमोकोकल रोग 2 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। यह टीका बच्चों को गंभीर न्यूमोकोकल रोगों से बचाएगा। यह समाज के अन्य तत्वों के बीच न्यूमोकोकल रोग के जोखिम को कम करने में मदद करेगा। नागपुर शहर के अस्पतालों में कुल 53 टीकाकरण केंद्र और 987 में टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और वैक्सीन की पहली डोज 1.5 महीने के लिए पहली पेंटा से, दूसरी डोज 3.5 महीने के लिए तीसरी पेंटा से और तीसरी बूस्टर डोज 9 महीने तक दी जाती है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यमातून आज न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन याला पीसीवी म्हणतात, याच्या वैक्सीनेशनचा प्रोग्राम आजपासून नागपूर महानगरपालिकेचा प्रत्येक UPSC-मध्ये सुरू झालेला आहे। नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आज 3 लसी देण्यात येत आहे। एक ओरल पोलिओची लस देण्यात येत आहे, त्याच्यासोबत नोटा, पेटा आणि हा PCC असे 3 वैक्सीन देण्याचे ठरवलेले आहे। ही जी वैक्सीन आहे याच्यामुळे मेनिन्जायटिस त्याला मेंदूचा ज्वर आपण म्हणू शकतो, सोबतच हे निमोनियासाठी जास्त फायदेशीर आहे। 1.5 महिन्याच्या वयात पहिली देत आहे, 3.5 महिन्यात दुसरी आणि 9 महिन्याच्या वयात तिसरी लस देत आहे। प्रायव्हेटमध्ये या लसीकरणाची किंमत 1 लसीकरण 4,000 रुपयेमध्ये भेटते, अर्थातच याला 12,000 रुपये लागतात। केंद्र शासनाच्या योजनेच्या माध्यमातून ही लसीकरण संपूर्ण देशात महानगरपालिका किंवा नगरपालिकाच्या माध्यमातून लहान मुलांना पुरवण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। संपूर्ण देशात जे बालमृत्यू दर आहे त्याच्यातली 16% बालमृत्यू ही निमोनिया ही आजारामुळे होते। ही वैक्सीन घेतल्यानंतर ती जे मृत्यू दर आहे ते संपुष्टात आणण्यात संपूर्ण देशाला यश मिळेल अशी याच्या मागची कल्पना आहे। आणि लहान मुलांना हा निमोनियाची डोस दिल्यानंतर सध्याची जी स्थिती आहे की आपण कोरोना आणि तिसरी वेव म्हणतो त्याच्यात पेशंट सगळ्यात पहिले न्यूमोनियाटिक होते, त्यानंतरच लंग्समध्ये इन्फेक्शनमुळेच कोरोनाची वाढ होते, म्हणून यामुळे इम्युनिटी वाढल्यानंतर लहान मुलांना त्याचासुद्धा फायदा मिळेल अशी आम्हाला खात्री आहे। अपर आयुक्त राम जोशी, डॉक्टर साजिद खान, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी संजय चिलकर और डॉक्टर नहेंद्र बहिरवार मुख्य रूप से उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।